अब दोस्तों अभी के टाइम पर आपने देखा होगा पिछले एक महीने से मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है। उतार चढ़ाव से मतलब है कि अभी बीच में स्मॉल कैप फंड में भारी गिरावट देखने को मिली थी, अभी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आखिरकार अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें लमसम अगर आप उनको पैसा डालना है तो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे थे। तो देखिए कभी भी लमसम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा डाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी है, मार्केट वैल्यूएशन। अब मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है, मार्केट वैल्यूएशन से मतलब ये रहता है कि अभी मार्केट में कोई चीज मतलब शेयर्स है जो अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स ही खरीदे जाते हैं, वो अपने रेट से महंगे रेट पर मिल रहे हैं या अपने मीडियम रेट पर मिल रहे हैं, उससे सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। जितना कम रेट होगा उनको उतने ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा उनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। जैसे इसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, मान के चलिए कि कोई चीज 100 रुपए की है, तो वो अगर अभी 100 रुपए की मिल रही है तो अपन उसे कहेंगे कि वो एक फेयर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूएशन पर मिल रही है। लेकिन अगर वही चीज 120 रुपए की मिले तो अपन इसको कहेंगे कि ओवर वैल्यूड है, इससे ऊपर में मिले तो, या 110 115 इसको भी अपन ओवर वैल्यूड मानेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अगर वही चीज 80 रुपए के आसपास मिले, इससे नीचे मिले, तो अपन कहेंगे अंडर वैल्यूड। तो जब कोई चीज सस्ते रेट पर मिले अपन को, तब अपन को इसमें पैसा डालना चाहिए। तो अब अपन पता कैसे करेंगे कि मार्केट वैल्यूएशन कैसा है, तो वही चीज आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है, कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए मिल रही है, 120 कितने मिल रही है, 80 कितने मिल रही है। तो ये बताता है इसको। अगर अपन एक और नाम है इसका, बफेट इंडिकेटर नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो आज की डेट पे इसका पॉइंट है 96 कुछ है। तो आप ये समझ जाइए कि अभी 100 रुपए की चीज अभी 96 के आसपास मिल रही है, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, फेयर वैल्यूड से थोड़ा नीचे, अंडर वैल्यूड से थोड़ा ऊपर, इतने रेट पर मिल रही है। अब दूसरी चीज होती है निफ्टी पीई रेशियो। पीई रेशियो से क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कभी भी आप अगर चेक कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज के भरोसे पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, दो चार चीजें देखना पड़ता है। तो निफ्टी का पीई रेशियो देखते हैं, उन पीई रेशियो से उनके एक अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है, इससे उनको एक वैल्यूएशन चेक मिल जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो अगर मैं देखूं तो अगर पिछले 20 साल का मीडियम पीई देखूं, पिछले 20 सालों का, मैं एक दो साल का इसलिए देख रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो ये अभी 24 के आसपास है, 24 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 24 के आसपास। अगर इसके 20 साल के देखें तो मीडियम पीई है, मतलब कि बहुत हाई है ना बहुत लो है। तो ये भी एक तरीके का यही संकेत दे रहा है कि बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं है ना बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है, एक फेयरली वैल्यूड के टाइप का है। ये दो चीज आपको देखने को मिल गई। अब देखिए तीसरी चीज होती है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स हमें ये बताता है कि अभी लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए कभी भी ना जब बहुत सारे लोग बेचते हैं ना तो आपको खरीदना चाहिए, और जब बहुत सारे लोग खरीदते हैं आपको बेचना चाहिए। इससे आपको क्लियर नहीं होगा, मेरा मतलब यह है कि देखिए जब सब लोग किसी एक चीज को खरीदने के लिए पीछे भर जाते हैं, मतलब कि 100 रुपए की चीज है और इसको खरीदने के लिए लाखों लोग लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। तो 100 रुपए की चीज भी बहुत महंगी मिलती है, तो इस समय उनको नहीं खरीदना है। लेकिन जब 100 रुपए की चीज को बहुत सारे लोग बेच रहे रहते हैं डर के कारण, तो वो चीज 80 रुपए की हो जाती है जब बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो तब उनको खरीदना चाहिए। तो ये मार्केट मूड इंडेक्स हमें यही बताता है। तो अभी के टाइम पर अगर इसकी बात करें तो चार रेंज रहती है। पहले होता है एक्सट्रीम फियर, फियर ग्रीडी, एक्सट्रीम ग्रीडी। आपको ये दोनों में नहीं खरीदना है। इसमें आप खरीद सकते हो ऊपर वाले में, लेकिन इसमें तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, और इसके अंदर पे भी नहीं खरीदना है। तो अभी पे ये पूरे अगर पूरे चार्ट देखिए, इसमें से ये 1 2 3 4 ऐसा होता है, तो अभी पे यहां पर चल रहा है, मतलब यहां के आसपास चल रहा है। अगर इसकी बात करें तो 38.78, मतलब कि फेयर वैल्यूड से एक्सट्रीम ग्रीडी से भी थोड़ा इधर है, मतलब याने इस चीज में है। तो अगर अपन चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एकदम बल्क में पैसा अपन नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी ये बता रहा है अगर इनके सारे की अगर वैल्यूएशन चेक करें तो अगर ओवर वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर इकट्ठा अपन पैसे डाल देंगे तो हो सकता है मार्केट में भविष्य में और गिरावट देखने को मिले, तो अब उनको उस समय और भी मौका मिल सकता है। तो अगर आप पैसा डालना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, तो इकट्ठा आप ना करिए, टुकड़े करिए उसके, और थोड़ा 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 8-10 महीने में हिसाब से डाल दीजिए, तो आपको एक ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे एक मीडियम रेंज मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।